इंडोनेशिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका और नीले नीले समुद्रों से घिरा यह कई तरह की अनोखी प्रजातियों के लिए पैराडाइज से कम नहीं। यहाँ पर जीवों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो इंडोनेशिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती हैं। कोमोडो ड्रैगन, ये विश्व की सबसे बड़ी छिपकली है जो इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड द्वीप पर पाई जाती है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह पर ही मिलती हैं। इस द्वीप पर इनका ही राज है। यह डायनासोर के युग से ही यहाँ पर राज करते हुए आए हैं। यह कई किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को चख सकते हैं। यह अपनी लंबी जीभ से अपने शिकार का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगा लेते हैं। यह किसी भी जीव को खा सकते हैं। यह कई दिन पुराने सड़े गले मांस को भी आसानी से पचा सकते हैं। यह अक्सर छोटे मोटे शिकार तो करते ही हैं, पर जरूरत पड़ने पर यह हिरन और बफेलो जैसे बड़े जीव का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह छिपकली हिरन, भैंस, बारहसिंगा व इंसानों तक का भी शिकार आसानी से कर लेती हैं। इन छिपकलियों का वजन 100 किलो या इससे भी अधिक हो सकता है और इसकी लंबाई 10 फीट से 15 फीट तक हो सकती है। कोमोडो ड्रैगन का विष इनकी लार में ही होता है। इनकी लार बेहद ज़्यादा जहरीली होती है। कोमोडो ड्रैगन जब अपने शिकार को काटते हैं तो इनके मुंह में बनने वाली लार शिकार के शरीर में पहुंच जाती है, जिसके कारण शिकार का खून बहता ही रहता है। वह खून जमता नहीं है, जिसके कारण शिकार की ज़्यादा खून बहने से मौत हो जाती है। इनके काटने से इनका शिकार धीरे धीरे मरता है। इनके विष में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज खून के थक्के को जमने नहीं देती, जिससे इनका शिकार ज़्यादा खून बहने से कमजोर हो जाता है और कुछ करने की हालत में नहीं रहता, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये कोमोडो ड्रैगन अपने ही प्रजाति के दूसरे ड्रैगनों को भी खाने में पीछे नहीं हटते, जिसके कारण छोटे ड्रैगन बड़े ड्रैगनों से बचने के लिए पेड़ों के ऊपर भी रहते हैं। जहाँ पर बड़े ड्रैगन वहाँ उनके पास तक नहीं पहुंच सकते। इनके ये तेज नाखून शिकार को चीरने फाड़ने के लिए बेहद उपयोग में आते हैं। ये झुंड में रहकर साथ मिलकर बड़े शिकारों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे यह बड़े बड़े शिकारों को भी आसानी से मार लेते हैं, चाहे वह बफेलो ही क्यों ना हो। आमतौर पर यह छोटे शिकारों को खड़ा ही निगल लेते हैं। इनके जबड़े की मांसपेशियां बेहद लचीली होती हैं। कोमोडो ड्रैगन कभी कभी हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं, इसलिए जब इन्हें खाना मिलता है तो ये छिपकलियां एक बार में अपने शरीर के वजन का 80% तक भोजन कर सकती हैं।
एक कोमोडो के लगभग 60 नुकीले दांत होते हैं जो शिकार के दौरान आसानी से टूट जाते हैं, पर शार्क की तरह लगातार बदलते रहते हैं। नए दांतों की कतार हमेशा आगे आती रहती हैं। कोमोडो ड्रैगन आमतौर पर दिन में शिकार करते हैं क्योंकि वे रात में ठीक से नहीं देख सकते। इसके अलावा कोमोडो की सुनने की क्षमता बेहद कम होती है। कोमोडो ड्रैगन की लार में 50 विभिन्न तरीकों के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हीं बैक्टीरियों के कारण खून नहीं जमता। यह गंध द्वारा शिकार का पता लगाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। वे अपनी संवेदनशील जीभ का उपयोग करके 4 मील दूर शिकार का पता लगा सकते हैं।